हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स GT10 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने ब्लूटूथ की कीप्स स्टॉपिंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम अपने मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ को किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो हमारे ब्लूटूथ के पेज पर जो है कीप्स स्टॉपिंग लिखा हुआ आ जाता है। तो इस ब्लूटूथ की कीप्स स्टॉपिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ब्लूटूथ को बंद कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपके फ़ोन का जो एयरप्लेन मोड होता है, इसे आपको एयरप्लेन मोड को चालू कर देना है, ठीक है। एयरप्लेन मोड को आपको कम से कम ना 5 या 10 सेकंड आपको चालू रखना है, इसके बाद आपको इसे बंद कर देना है, ठीक है ना। तो इससे भी ये एक छोटा सा प्रोसेस है, इससे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक बार इस प्रोसेस को आपको एक बार करके देख लेना है। अब दोस्तों, आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको ना अपने मोबाइल फोन की APN सेटिंग को आपको रीसेट करना है, ठीक है। मोबाइल फोन की APN सेटिंग रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का ना सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ये अपनी सिम सेलेक्ट करनी है, जिस कंपनी की सिम है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको APN का पेज मिलेगा, इसमें आपको सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन टैप करना है। एक छोटा सा पेज आपका ओपन हो जाएगा इस तरीके का, इसमें आपको रीसेट टू डिफॉल्ट लिखा मिलेगा, इसे आपको टैप करना है। आपका नीचे लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग। इस तरीके से आपको मोबाइल फोन की APN सेटिंग को आपको रीसेट करना है, जिससे आपके ब्लूटूथ की कीप्स स्टॉपिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों, अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है ना, कभी कभार ये ठीक से काम नहीं करती, जिसके कारण हमारे ब्लूटूथ में कीप्स स्टॉपिंग की प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे की साइड ये सबसे नीचे सिस्टम पर टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का सबसे ऊपर वाला ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। तो आपको ये टैप करेंगे तो ये वाला पेज आएगा। इस पेज में आपको ये जो तीन सेटिंग दिखाई दे रही है, तीनों सेटिंग आपकी मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग में इंक्लूडिंग पहले से रहती है। ये तीनों सेटिंग भी आपकी साथ ही साथ रीसेट हो जाती है नेटवर्क सेटिंग के साथ, ठीक है। तो आपको नीचे की साइड रीसेट सेटिंग का ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में दोबारा से रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। आपको नीचे यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा ये देखिए नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आपको मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है, जिससे आपके ब्लूटूथ की कीप्स स्टॉपिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों, अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है फोन का सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं ना, तो मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट ना होने के कारण भी हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ कमियां आने लग जाती है। तो आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं आपको चेक कैसे करना है, देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू रखना है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में नीचे की साइड ये ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें आपको कंटिन्यू पे टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके ब्लूटूथ की कीप्स स्टॉपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों, अगला प्रोसेस ये करना है कि फोन को रीस्टार्ट करना है। फोन को रीस्टार्ट करने के लिए फोन के साइड वाला पावर बटन उंगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने ये वाला पेज आएगा, इसमें आपको रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों, अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर सबसे नीचे आपको ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपके ब्लूटूथ की कीप्स स्टॉपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके ब्लूटूथ की जो कीप्स स्टॉपिंग की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।